हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारा वीडियो का पार्ट नंबर 10 है, सॉरी ये 10 नंबर है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसमें आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार के सभी क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे, तो उसका आंसर हम 5G ट्रिक्स के माध्यम में सेकंड में देने वाले हैं, जो कि ऑल कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा देखा जाता है कि ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम पैटर्न पर ही आधारित होते हैं, जो कि वेरियस एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो इन सभी को हम सॉल्व करने वाले हैं एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, 4 सही 1/3 धन 5 सही 1/3 धन 6 सही 1/3 बराबर क्या होगा। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो भिन्न वाला हिस्सा है ये मिश्र भिन्न के रूप में है। तो जो ये भिन्न वाला हिस्सा है, सभी का हर समान है, तो सभी का हर समान है। और इसके साथ ये जो लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं पूर्णांक, यानी कि होल नंबर। तो इसको आप अलग जोड़ेंगे, तो 5, 4, 9, 9, 6, 15 हमने कर लिया। अब बाद वाले हिस्सों को प्लस करके देखिए, चूँकि ये भिन्न के रूप में है और हर समान है, तो अंश को जोड़ देंगे। तो अंश को जोड़ेंगे 3 आएगा, और हर कितना है, 3 है, 3 से 3 कट गया, 1 बचा, यानी 15 में 1 जोड़ देंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 16, जो कि ऑप्शन संख्या सी में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 8 सही 1/3 धन 4 सही 1/6 धन 5 सही 1/2 बराबर क्या होगा। ठीक है, चूँकि ये भी मिश्र भिन्न का है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पूर्णांक के रूप में उसको हम जोड़ लेते हैं। तो 8, 4, 12, 12, 5, 17, तो 17 को हमने अलग कर दिया। अब यहाँ चूँकि हर अलग अलग है, तो सभी का लॉसा देखेंगे, तो इन तीनों का लॉसा कितना होगा, 6 होगा। और 6 होगा तो 6 से भाग देंगे, 2 बार में यहाँ 2 हो जाएगा, 6 से 1 बार में तो यहाँ 1 हो जाएगा, और 2 से 6 को 3 बार में काट सकते हैं, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यानी 3, 1, 4, 2, 6, 6/6, 6 से 6 काटेंगे 1 बार में, और 17 में 1 जोड़ेंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 18, जो कि आपको ऑप्शन संख्या डी में दिया गया है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कितना इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आ जाएँ तो आप क्या करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों में ध्यान दीजिएगा, ये 1 है तो इसको हम 1/1 लिख सकते हैं। ठीक, अब हमें ध्यान ये देना है कि अगर ऐसा प्रश्न आपको दिखे जिसका अंश क्या हो, सदैव 1 हो, ठीक है, तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है हम उसको देखते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर 12 है। अगर अन्य नंबर जो हैं वो 12 के अपवर्त्य हों, ठीक है, अपवर्त्य कहने का मतलब है फैक्टर हों, ठीक है, 12 के अगर फैक्टर्स हैं बाकी सभी के नंबर, तो आपको करना ये है, इन सभी हर को आप जोड़ दीजिए। तो 12, 6, 18, 4, 22, 22, 3, 25, 25, 2, 27, 1, 28, कितना आ गया, 28, और सबसे बड़े वाले नंबर से आप भाग दे दीजिए। भाग देंगे, 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे 7 बार में, आंसर आ गया 7/3, जो कि ऑप्शन है सी। तो करना क्या है, सबसे पहले पहचानना है प्रश्न को कि सभी का अंश 1 होना चाहिए, और हर में जो सबसे बड़ा नंबर है, शेष अन्य दिए गए नंबर्स इस सबसे बड़े वाले नंबर्स के क्या होने चाहिए, फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, फैक्टर्स होने चाहिए। तो अगर ऐसा कंडीशन फॉलो होता है तो आप क्या करेंगे, हर सभी हरों को जोड़ेंगे, और सबसे बड़े वाले हर से आप भाग दे देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। बढ़ते हैं एक और प्रश्न की तरफ। एक और प्रश्न आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसके पैटर्न को देखते हैं। सभी का आंसर आपको 1 दिख रहा होगा, और इस 1 को 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, और हर हमारे पास में सबसे बड़ा है 28, देखते हैं 14 क्या इससे कटेगा, 14 × 2 = 28 कटेगा, 7 × 28, 4 × 7 = 28, और 2, 14 × 2 = 28, फिर 1, 28 से 28, यानी कि सभी ये संख्या क्या है, 28 के अपवर्त्य हैं, तो सभी को हम जोड़ देंगे। तो 28 में जब 14 जोड़ेंगे तो होगा 42, 42 में 7 जोड़ेंगे 49, 49 में 4 53, 53 में 2 55, 1 56, कितना आ गया, 56, और सबसे बड़ा हर कौन है, 28, इससे भाग दे देंगे, 28 × 56, आंसर आ चुका है 2, जो कि ऑप्शन संख्या बी में आपको दिया गया है। ठीक है,
तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, आपको सेकंड में आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये हमारा अगला टाइप है। 80 सही 1 बटे 5 धन, 80 सही 2 बटे 5 धन, 80 सही 3 बटे 5 धन, 80 सही 4 बटे 5। तो ये हमारे पहले वाले प्रश्न की तरह ही है। सभी पूर्णांकों को आपस में जोड़िए। चूँकि एक ही अंकों को बार बार जोड़ रहे हैं, तो हम बार बार जोड़ने से बचने के लिए जितनी बार हमको जोड़ना है उससे गुणा कर देते हैं। तो 8 चौके 32, 320, ठीक है। अब भिन्न वाला हिस्सा जोड़ते हैं। तो भिन्न वाले हिस्से में हर सभी का 5 है, तो अंश जुड़ जाएगा। 4 3 7 2 9 1 10, कितना आया 10, और बटे में कितना है 5, कट गया दो बार में, यानी कि आ गया आंसर 322, जो कि ऑप्शन संख्या बी में दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 999 सही 1 बटे 7 धन, 999 सही 2 बटे 7 धन, 999 सही 3 बटे 7 धन, 999 सही 4 बटे 7 धन, 999 सही 5 बटे 7 धन, 999 सही 6 बटे 7। ठीक है, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तब क्या करेंगे? चूंकि 999 है, कितनी बार जोड़ना है, तो 1 2 3 4 5 6 बार जोड़ना है। तो 999 लिखिए और इसमें 6 से गुणा कर दीजिए। अब इसमें क्या करना है, चूँकि सभी का हर कितना है 7 है, तो सभी अंशों को आपस में जोड़ दीजिए। 6 5 11 11 4 15 15 3 18 2 20 1 21, कितना आ गया 21, 7 3 21, 3 आ चुका है। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या इसको हम 1000 - 1 लिख सकते हैं? 999 को 1000 - 1। अब इसमें 6 से गुणा करेंगे तो ये 6000 बन जाएगा, और इसमें 6 से गुणा करेंगे तो 6 बन जाएगा, यानी 6000 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5994। यानी 5994 में 3 जोड़ना है, तो 5997 आपको आंसर मिल जाएगा, जो कि है आपका ऑप्शन संख्या सी। ठीक है, तो आपने देखा कि कितना इजीली हमने इसको भी सॉल्व कर दिया। तो ये था हमारे वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।